set. So by the mouse. No, no, sir. हाँ तो कैरर आया था तुमने क्या चीज़ है बताओ इसमें बताओ मैंने बस क्या किया माइंस को सर्विस चार्ट और इसके मैं अपना टी टू स्टार्ट किया तो मैं अपना टी और कुछ नहीं है और कुछ और Gotham. Error everything can you screen share girl? इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाइड आई डी ई एन टी आई एफ आई ई डी आइडेंटिफाइड डी ई नहीं होगा ई डी होगा क्या सेव क्या सेव नहीं हो रहा जमीन क्या सेव नहीं हो रहा बताओ
गलत पाथ पर आ गया है, गलत पाथ पर आ गया, गलत पाथ पर कर रहे हो, कैसे करोगे, पाथ ही गलत है तुम्हारा। बैक आओ, बैक आओ, इसको बंद करो और बैक आओ, एकदम बैक, सीरी डॉट डॉट एकदम बैक आ जाओ पीछे। और बैक आओ, और बैक आओ, एकदम का ना पीछे, एकदम एकदम पीछे आ जाओ, बैक और बैक एक और, एलएस करो यहाँ पे, वार वाली फाइल दिख रही तो टेम्पर यूजर के नीचे वी ए आर, इसके अंदर जाओ, सी डी वी ए आर, इसके अंदर एलएस करो, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एचटीएमएल में जाओ, इसको एलएस करो, इसमें एमवी कमांड यूज करो, एमवी कैपिटल में लिखो, DVWA कैपिटल में सब कुछ, DVWA डीवी डीवी डीवी, अभी लिखो उसको, लिखो अभी दोबारा लिखो, एंटर मत देना, वापस से लिखो, एमवी DVWA एंटर मत देना, स्पेस देके स्मॉल में लिखो DVWA, ना ना वो हटाओ, फॉरवर्ड स्लैश हटाओ, फॉरवर्ड स्लैश हटाओ उसका, फॉरवर्ड स्लैश हटाओ, स्पेस दो DVWA के बाद, स्पेस दो, अब लिखो स्मॉल में DVWA, एलएस करो, अब DVWA के अंदर जाओ, एलएस, यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर ओपन करना इसको, config.inc.php को, नैनो, अरे नैनो से होगी, फोल्डर या डायरेक्टरी नहीं है, कर दिया चेंजेस, कर दिया इसमें,
नेक्स्ट अब क्या करोगे? पासवर्ड नहीं डालना एंटर कर दो। अब चार्जर नहीं है, चार्जर से से स्टार्ट करना पड़ेगा। बंद करो पहले इसको, उसको बंद करो, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। Grant all privileges.
that T.O.2. स्टार के बाद एक स्पेस बनते ना, लिखो TO2। स्पेस देख ले, टू के बाद स्पेस, टू के बाद स्पेस है। एक मिनट वापस जाओ, इसमें जाओ, इसी में जाओ, वापस सेम फोल्डर में जाओ, बैक करो। कॉन्फिग के अंदर आओ, एक मिनट DVWA में आओ पहले, इसको रीनेम, सॉरी DVWA को रीनेम कर दो, बैक जाके DVWA को रीनेम कर दो। एक स्टेप बैक आओ, यहाँ पे ls करो, DVWA दिख रहा है, इस कैपिटल वाली DVWA को स्मॉल लेटर्स में हमें रीनेम करना है। देखो MV कैपिटल में DVWA है, उसके बाद स्पेस देके स्मॉल में DVWA, चेंज करके एक कॉपी बनाओ, जो config.inc.php का सेंटर, मैंने .me INC
इसके अंदर चेंज करो यूजर नेम और पासवर्ड में। जहाँ पे डीबी यूज़र DVWA वहाँ पे DVWA की जगह चेंज कर लो और DB पासवर्ड में पासवर्ड की जगह पासवर्ड अपना चेंज कर लो। सिंपल कुछ पासवर्ड रख लो, चेंज कर लो जल्दी, फिर इसको सेव करो। कर्सर से स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ उसमें। चेंज करना है, चेंज करना है DVWA या यूजर में लिखा है, कैसे करना है उसको। ये जो नैनो वाली फाइल खुली है इस पर क्लिक करो, क्लिक करो कहीं भी क्लिक करो। हाँ कर्सर, कर्सर मूव करो अपना। कर्सर क्या है ये, अपने अप डाउन कीज दबाओ। हाँ आ रहा है नीचे, उसमें डी भी आ रहा है लास्ट में, उसको डिलीट करो। डिलीट दबाओ, डिलीट, डिलीट दबाओ, डिलीट दबाओ, डिलीट। उसको कंट्रोल ओ शिफ्ट एंटर, कंट्रोल ओ करो, कंट्रोल ओ करो। चेंजेस सेव हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, दूसरा विंडो बोलो, दूसरा टैब।
सर्विस स्टार्ट करो MySQL की। पासवर्ड नहीं डालना एंटर। ठीक है, लिखो क्रिएट यूजर FIED space by DY by 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 BB ball wala B ball wala space इन्वर्टेड कॉमर्स में पासवर्ड लिखो जो डाला है इन्वर्टेड कॉमर क्लोज और स्पेस मत देना स्पेस मत देना सेमी कोलन लगा दो सेमी कोलन चैट बॉक्स में देखो ये वाला सभी को एंटर देखो सेलेक्ट यूजर सेलेक्ट select user
चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में देखो, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL डॉट यूजर सेमी कोलन. चैट बॉक्स में देखो, पूरा लिखो पूरा इसके आगे. अपना यूजर नेम डॉट, अपना यूजर नेम कीजिए इनवर्टेड कॉमास में @ इसी वाले फोल्डर में जाना है. बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, अभी ईटीसी वाले फोल्डर में जाना है, तो बैक आ जाओ. बैक 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 और बैक, जहां में डी के कार वाली डायरेक्टरी में एंटर किया था वहीं वहीं तक बैक आ जाओ. यहाँ एलएस करो, यहाँ भी तुम्हें डायरेक्टरी में मिलेगी एबीसी. इसमें आओ, पीएचपी के अंदर जाओ.
जहाँ बूट वाइज लिखा हुआ है ना वहाँ पर बूट वाइज यहाँ लिखा हुआ है। चलो नीचे चलो जहाँ स्टॉप बोलूँगा जब बस अरे ऊपर ऊपर आराम से इतनी जल्दी गए हाँ रुको रुक जा बुलियन वाली फ्लैग्स जहाँ लिखा ना बुलियन फ्लैग्स जो ऑफ लिखा हुआ है ना नीचे वाली लाइन में उसको ऑन इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में जो ऑफ लिखा हुआ है उसको करना ऑन ओके ओके अरे एफ हटाओ डिलीट वो डिलीट डिलीट वो डिलीट वापस जाओ उसमें ठीक है 1200 सेव करने के बाद अब सर्विस टू सर्विस अब Part-2 स्टार्ट बिल्कुल सागर ने लिख के भेजा आईपी के बाद स्लैश लगाओ फॉर्म स्लैश स्टार्ट करते हैं रिफ्रेश करते हैं इसके आगे लिखो फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन डॉट पी एच एंटर देना एंटर
there is. लॉगिन करने के बाद क्रिएट और रीसेट डेटाबेस नीचे क्रिएट और रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करो। पासवर्ड में पासवर्ड डालना है इधर पासवर्ड आपने रखा है बताओ नीचे ए करके पासवर्ड में पासवर्ड डालो DASSWORD देखना अंदर कंट्री वाली फाइल में देखना पासवर्ड।
किसी को आइए सेम है लॉगिन ना कर पाए काम कर जहाँ यूजर नेम लिखा है AGA उसको एडमिन कर दो फिर वही स्टेप्स कंटिन्यू बाकी इसको बंद करूँ बाकी स्टेप पूरे करने पड़ेंगे क्रिएट यूजर वाला MySQL स्टार्ट ये जितने भी स्टेप्स हैं दोबारा से करने पड़ेंगे ट्राई करूँ नहीं होता है तो मैं इस क्लास में सिर्फ कंटिन्यू करूँगी।